कुछ किसान भाई जो अमरूद के जो पत्ते हैं इनको, किसान भाई हो अगर, किसान भाई अच्छा रेट तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा और इस चीज़ को समझना होगा कि कैसे हम। किसान भाइयों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान को ज्ञान पर, मैं मित्यागी। किसान भाइयों आए हूँ आज एक बाग में, जैसे कि आप मेरे पीछे ये अमरूद की बागवानी देख रहे हो और इसमें आपको दिख रहा है कि किस तरीके से अमरूद के जो पत्ते हैं उनको तोड़ा गया है। ये जो अमरूद के पत्ते हैं इन सभी को तोड़ा गया है, तो इन पत्तों को क्यों तोड़ा गया है इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं और इसको करने से क्या अमरूद की बागवानी में हो सकता है, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो हम शुरू करते हैं और बताते हैं अमरूद के पत्तों को क्यों तोड़ा गया है। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए किसान क्रॉप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट पाएं आप सबसे पहले। किसान भाइयों जैसे कि आपको पता है अमरूद जो साल में 3 बार फल देता है, लेकिन कुछ किसान भाई जो अमरूद के जो पत्ते हैं इनको तोड़ देते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है। अब इस कारण के बारे में किसान भाइयों हम जान लेते हैं कि उन पत्तों को क्यों तोड़ा जाता है। किसान भाइयों अगर किसान भाई अच्छा रेट अपनी अमरूद की बागवानी से चाहते हैं तो उनको ये काम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि जैसे कि अब ये मौसम चल रहा है, इस टाइम मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये मई है और आज 10 मई है, आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बाग में आए हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि पत्ते और जो कलियाँ हैं उनको तोड़ा गया है। तो ये क्यों तोड़ा गया है, क्योंकि जैसे कि बरसात आएगी तो बरसात के समय वाला जो फल है उसको इस बागवानी से नहीं लिया जाएगा, और जो उसके बाद जो बसंत बहार आएगी उस बसंत बहार में अमरूद के फल को लिया जाएगा। तो उसके पर्पज़ से ये जो पत्ते हैं उनको तोड़ा गया, कलियों को तोड़ा गया है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है क्योंकि अमरूद की जो बरसात वाली फसल आती है, जो फल आती है, उसमें क्या होता है कि जो फ्रूट फ्लाई मक्खी है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, तो उसकी रोकथाम भी बड़ी आसानी से इसमें हो जाती है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें फ्रूट फ्लाई के नियंत्रण के लिए डब्बे टांगे गए हैं इसमें कार्ड लगाकर, तो इसके अंदर जो है फ्रूट फ्लाई की मक्खियाँ जो मर जाती हैं इसकी रोकथाम उससे हो जाती है। सभी किसान भाइयों को ये काम जरूर कर लेना चाहिए अगर आप बड़े स्तर पर अमरूद की बागवानी कर रहे हैं और रेट अच्छा लेने के लिए अमरूद के फलों से, तो उस हिसाब से इस चीज़ को करते हुए आपको ये क्रिया कर लेनी चाहिए और इससे काफ़ी ज़्यादा फायदे आप अपने अमरूद की बागवानी में कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है क्योंकि इस समय में जो है मई चल रहा है और इन पत्तों को करीब 15 दिन पहले पौधों से रिमूव कर दिया गया है, तो यही कारण है कि एक अच्छी बागवानी करने के लिए किसान भाइयों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा और इस चीज़ को समझना होगा कि कैसे हम एक बाग से अच्छी फसल ले सकते हैं। और किसान भाई देखिए इसका एक फ़ायदा और ये भी है क्योंकि अगर हम फल नहीं ले रहे हैं तो जो फ्रूट फ्लाई मक्खी मैंने जैसे आपको बताया है उसका प्रकोप भी बिल्कुल ना के बराबर होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि पत्ते नहीं होंगे तो फ्रूट फ्लाई वहाँ पे नहीं आएगी और उसका जो केमिकल कंट्रोल हम करते हैं उसमें लगने वाले खर्चों को हम बचा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये क्रिया बागवानी में करते हो अमरूद की तो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा किसान भाइयों को होता है, और जो फलों का साइज अपनी इच्छा अनुसार किसान भाई ले सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो किसान भाइयों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल घंटी को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक समय से पहुँचती रहे। किसान भाइयों फिर आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।